प्रदेश में जहां किसान आंदोलनरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अपने फसल को बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल मामला सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत इरगांव का है, जहां पटवारी की लापरवाही से सोमाए साए किसान को मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी जानकारी किसान को उस वक्त लगी जब किसान अपने धान को बेचने के लिए टोकन कटवाने गया। जहां उपकेंद्र अमल भिट्टी समिति केंद्र के प्रबंधक ने बताया कि आपका नाम नहीं है, इसकी जानकारी लगते ही किसान अपने दस्तावेज लेकर चंदो धान समिति केंद्र पहुंचा, जहां के समिति प्रबंधक ने बताया कि आपका नाम सॉफ्टवेयर में नहीं बता रहा है। इधर किसान अपने धान को बेचने के लिए चिंतित नजर आ रहा है, तो वही दूसरी तरफ किसान ने समिति केंद्र से 13,000 का ऋण भी लिया है, लेकिन इस किसान को कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। बहरहाल किसान कई दफ्तरों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि किसान इस साल धान बेच पाता है या सरकारी दाव पेच में रह जाएगा। धान नहीं बेच पाता, तुम्हारा गया था टोकन कटवाने के लिए अमल भिट्टी में, मेरा नाम नहीं, टोकन नहीं कटिया है। संजय बोल रहा है कि जाओ चांदो जा के चेक करवाओ कंप्यूटर से, कंप्यूटर तो हुआ कहे था मेरी मृत्यु बताई, मोर मृत हो गई इसी से। कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं है? कितना एकड़ में खेती? डेढ़ एकड़ महाराज, डेढ़ एकड़ में कह रथम में, गरीब आदमी कहे था, तीन भाई हम अनाहन तो तीन बाटा हो इसे कुछ मने दो चार एकड़ जमीन रेखते हैं। अब महाराज में बयाए हो कैसे करूँ, अब तुम ही मेरे रास्ता बतावा है, हम ऋण है कैसे माफ कर मैं छूट पा रहा हूँ, गरीब आदमी है। कितना का ऋण ले है? 13,770 रुपये मोर ऋण कर्जा है महाराज। तो ते का चाहत हस? तो मैं कहत हूँ कि अब मोर तो टोकन नहीं कटा थे तो थोड़े ले ही धान महाराज, तो समाफी तो मोर नहीं बिकी, अब मोर कर्ज है नहीं छूटा ही, तो मतलब तो बोझा आले रही मोर शरीर में नहीं। हाँ ऋण में फंसे हूँ महाराज, की होता मेरे बड़े भाई लगते हैं। हाँ। क्या हुआ है? तो टोकन कटाने तो साथ में गए थे, तो वहाँ बोले कि इसका लिस्ट में तो नाम ही नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? फिर बोले कि वहाँ के कि मैं चेक करके बताऊंगा, फिर वहाँ से चांदो से चेक करके आऊंगा फिर बताऊंगा बोले। तो क्या बताया गया? उसके बाद यहाँ आए तो इसको फिर वहाँ भेज दिए चेक करवाने के लिए, तो वहाँ गए तो कंप्यूटर में खुलवा के देखे तो वहाँ बताए मृत। हाँ। मृत मृत्यु हो गया है आपका, तो धान नहीं बेच पाएंगे ऐसे। तो वो इंसान है कहाँ, अभी जिंदा है कि क्या है? यहाँ सर अब जिंदा है वो। तो किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें तो पटवारी का लापरवाही दिखता है सर। कैसे आए कि बस वही तो लिख के देगा है, पंजीयन उजन तो उसी के अधिक्षण से होता है, वो जैसा लिख के देगा वैसा ही होगा। तो खरीदी केंद्र में गए थे तो क्या कहा गया आपको? सर वहाँ तो बस उतना ही बोले। तो क्या लगता है परेशानी होगा कि नहीं आप लोगों को? सर धान नहीं बिकेगा तो परेशानी तो होगा ही। किस तरह की परेशानी होगा सर? तो इसमें अब इधर बाजार में बेचेंगे उसको तो 10-12 जाएगा, और वहाँ बेचेंगे तो कुछ पैसा और ज़्यादा मिल जाएगा। आप लोगों ने लोन भी लिया है? हाँ सर लोन तो लिया हुआ है। अच्छा, दिक्कत होगा? मतलब दिक्कत तो होगा। तो क्या चाहते हैं आप? तो सर हम चाहते हैं कि सर न्याय मिले। गया है इसका क्या मामला है सर? कि वो जो पटवारी जो सूची बना के देते हैं उसी में उसका जो यहाँ से टोकन उकन कटवाने के लिए पता लगाया तो कि उसमें नाम ही नहीं था। कैसे में नाम नहीं था? ओ सूची नहीं, कंप्यूटर में नाम नहीं था। क्या वजह मानते क्यों नहीं रहा होगा? अब उसके बारे में तो पटवारी ही बता पाएंगे सर। क्या अच्छा तो आपके यहाँ से कागज जो जारी किया उसमें लिखा हुआ है मृत, क्या लगता है क्या हुआ था? तो पटवारी ही सूची दिया था। क्या सूची दिया था? जो उसका बीवन का पूरा हर एक किसान का देते हैं वो उसी का सूची में मृत लिखा हुआ था। अच्छा तो आपको इसको कई जानकारी कैसे लगी आपको? तो सर वो तो पटवारी का सूची से ही जानकारी मिला है। तो किसान आपके पास आया था क्या? हाँ किसान आया था। क्या बोल रहे थे? तो बोल रहा था कि ये भाई मेरा नाम कैसे वहाँ से हट गया सूची से, तो फिर हम लोग बताए कि नहीं तुम्हारा नाम तो इसमें कंप्यूटर में भी दर्ज नहीं है, अब इसके बारे में ही पटवारी से पता लगाइए क्या है किसे। मतलब अगर आपके ऑनलाइन में अगर नाम नहीं है तो क्या वजह मानते कैसे नहीं रहता है नाम? वो किसी भी किसान का जिसे मान के चले किसी मृत हो जाएगा चाहे और किसी कारणवश सूची से हट जाएगा, इसके बाद मतलब कि उसमें नाम नहीं दर्ज होता। अच्छा तो क्या लगता है कहाँ इसकी लापरवाही कहाँ माना जा सकता है इसको? अब इसके बारे में तो सोचा जाए तो यहाँ पटवारी के माध्यम से ही लापरवाही हुआ होगा।
अब कहे कि वो गांव का मालिक है, अब गांव का किसान का जानकारी उसके हाथ में रहता है कौन मर गया है या कौन जिंदा है। जी जी। R9 भारत के लिए दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।